नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू। प्रदेश के सभी 90 हलकों में स्थानीय प्रतिनिधि चला रहे तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के तहत हर गांव में शहीद को कर रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित। लगा रहे हैं पुराने तिरंगे के स्थान पर नया तिरंगा, क्योंकि मोदी जी ने दो संविधान और दो झंडों को किया एक। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में भाजपा की तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है। इसी के चलते आज भिवानी विधानसभा क्षेत्र के कोर्ट में भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा हम प्रत्येक गांव में सब जगह जाकर और ग्रामीण जनता से करेंगे, और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग मोटरबाइकों में और जो भी साधन जिसके पास है उसको लेकर के हम कोट गांव से शहीद राकेश कुमार के यहाँ ध्वजारोहण करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो अमित शाह जी और मोदी जी ने जो कार्य किया है इसके लिए मैं 370 की जो धारा तोड़ी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और पूरा देश और प्रदेश इस काम के लिए पूरी तरह खुश है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। और इस काम को लेकर हम आगे बढ़े, और जो भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है और उसको हटाने का कार्य किया हमारे नेताओं ने, अपने बलिदान भी इस कार्य में दिए हैं। मैं आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव और शहर में प्रत्येक वार्ड में हम जाएंगे और तिरंगा यात्रा को पूरा हम 15 अगस्त तक इसको पूरा करेंगे। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि शहीदों ने जो हमारे क्षेत्र को मान सम्मान दिया है उनको भी निश्चित रूप से नमन कर रहे हैं, और ये तिरंगा यात्रा सबके लिए प्रेरणादायक है। और इस प्रेरणा के माध्यम से हम सबको ये मन में विचार करना चाहिए कि देश की नीति और जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसमें देश की सरकार और प्रांत की सरकार पूरी तरह उनके साथ है, और जो भी
अभियान इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि तिरंगा किसान यदि हम करते हैं तो इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रहित की बात की जाए तो क्या राष्ट्रहित के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? हम इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रहित के लिए बात करेंगे और राष्ट्र के हमारे बंधुओं ने जिस प्रकार से हरियाणा में 10 की 10 सीटें मोदी जी के खाते में डाली और ये इस प्रकार का एक महत्व है कि मोदी जी ने 2 महीने के अंदर अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया और ये हम आगे बढ़कर उनका भी सम्मान करते हैं और तिरंगे का जो सर्वोच्च स्थान है उनका सम्मान बार बार करते हैं। तो देश भर में ये इस प्रकार की यात्राएं शुरू? देश भर में सभी गाँव में शहरों में यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और इससे हमारे देश का गौरव और मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है ये यात्रा भी उसी के प्रतीक के रूप में